हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरहदी बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल जा रहे युवक से 2 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के भीतर दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। सब इंस्पेक्टर जाकिर अली के मुताबिक पुलिस ने नामजद चूनाराम व खियाराम को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए हैं। वही घटना में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त कर लिया है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए सदर थाना पुलिस के सब इंस्पेक्टर जाकिर अली इन्होंने ये कहा। कल सूचना प्राप्त हुई, मनोज ने सूचना दी थी कि दो व्यक्ति नामजद आरोपी चूनाराम और खियाराम ने उनके साथ मारपीट करके 2 लाख रुपए लूट के ले गए, जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अन्वेषण शुरू किया गया। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार टीम गठित की गई थी। गठित टीम ने तत्परता दिखाते हुए 12 घंटे में दोनों मुलजिमान चूनाराम और खियाराम को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 2 लाख रुपया लूटी हुई राशि को बरामद किया गया तथा प्रयुक्त वाहन मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। पीड़ित अपने रामसर कुआ से 2 लाख रुपये लेकर नक्सिंग को देने के लिए आ रहा था, तब रास्ते में इनको मिले, तब इनको देखकर उन्होंने उनके साथ मारपीट की और इनके पास जो 2 लाख रुपए थे वो लेकर चले गए। गाड़ा बेरी के सरद के पास बात घटना कब हुई है। जागरूक टीवी के बाड़मेर से खास रिपोर्ट।